पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ। आपके 13 साल के बेटे बिना हेलमेट के नाबालिग गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी आपने उनको खरीद के दी है। हेलो, ये जो गाड़ी चला रहे हैं आपके नाबालिग सुपुत्र, ये आपने उनको खरीद के दी है? नहीं सर, वो उसके दादा का है। वो उसके दादा ला के दिए हैं? ओहो, गलती दादाजी की है। और कोई नियम घर में आपने बताया नहीं है, कान में गाने सुनते हुए बिना हेलमेट के? उनको बताया गया है घर में चिट्ठी दी है, कहीं आने जाने के लिए नहीं है बेटा करके। अरे भाई, सीखने के लिए भी नहीं है, सीखना भी 18 साल के बाद है। ना तो खुद नियम पता है, ना बच्चों को कुछ गलत चीज़ें शिक्षा देते हो। मेन हाईवे पे चल रहा है वो बिना हेलमेट के कान में गाने सुनते हुए, बिल्कुल गैर जिम्मेदार पिता हो आप। समझाइए अपने सुपुत्र को, अगली बार मिले गाड़ी भी जब्त कर लूँगा मैं। चलो जी। अरे भाई, खड़े करने की जरूरत ही, हेलमेट का है तुम्हारा? क्या उम्र है? हमारी 56 साल है। 56 साल की उम्र में कभी आज तक हेलमेट लगाया हो? 56 साल में कभी नहीं लगाए? नहीं लगाए जी, जोत नहीं पड़ती मतलब? नहीं, अब मर जाओगे तो जोत पड़ेगी? नहीं मालिक, नहीं। गिर जाओगे फर फटेगा तो जोत पड़ेगी? सही है, अगली बार सुपुत्र का। हेलमेट तो नहीं है? क्या चीज़? हेलमेट तो घर में है। घर की चीज़ है घर में? वो क्या शोकेस बना के रखा है क्या? शोकेस लगा के पूजा पाठ करते हो क्या हेलमेट का? अगली बार से लेके चलेंगे। हाँ, अगली बार से लेके। कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। ये देखो मोबाइल, इसमें उसने कवर लगाया है, इससे इतना प्यार, और अपनी खोपड़ी से कोई प्यार नहीं, ये तो गलत बात है भाई। अगली बार से लेके चलिए। 17 साल है। 17 साल। इनके घर का फोन लगाओ, घर का नंबर लेके अभी फोन लगाओ। अभी घर को बात तो, घर वाले क्या सोचते हैं, घर वालों को प्यार है। फादर को लगाओ फोन। पिताजी, फादर का नंबर दीजिए, नंबर दो। पापा का नंबर दीजिए। इसी के फोन से लगाओ, इसी के फोन से लगाओ तो उठाएगा। फोन से लगवाइए। लगाओ पापा को फोन। पापा को फोन लगाइए। लगाओ भाई। नंबर भी नहीं रखते क्या पापा का? गर्लफ्रेंड का जरूर होगा। पापा क्या जान? पापा नहीं होंगे, जान लिखता है पापा को। गुड, जिससे सबसे ज्यादा बात करते उसको लगाओ। ठीक है भाई, आपके सुपुत्र रोड पे पकड़े गए हैं। मैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ। आपने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे दी है? सॉरी सर उसके लिए, लेकिन मैं तो बाहर हूँ सर। अरे भाई, बाहर हो तो गाड़ी कैसे उसके पास है? और गाड़ी में बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है वो। मैं सॉरी सर उसके लिए आपको मैं क्षमा चाहता हूँ सर। अब मैं उसको पता तो नहीं सर गाड़ी लेके गया होगा। अरे भाई, चाबी तो किसको देके गए थे गाड़ी की आप? मैं घर में रख देता हूँ सर उसको लिए। अरे भाई, सर उसके लिए घर की तो चाबी आपने वहाँ रख दी, सोना चांदी ज्वेलरी उसको भी ऐसे ही सामने छोड़ देते हो क्या, कोई ले जाए? नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। सॉरी सर, आज के लिए उसको छोड़ दीजिए सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। भाई उसको समझा लो, नहीं तो फिर उसका चीरफाड़ करना पड़ेगा पोस्टमार्टम। सीधा हॉस्पिटल पहुंचोगे उसके बाद। मैं आपके बातों में सहमत हूं सर। मैं आपको लगता नहीं है गलत है नाबालिग को गाड़ी देना? नहीं, गलत है सर, मैं आपके बातों में 100% सहमत हूं सर मैं आपका। और आपने गाड़ी पे क्या लिख रखा है? क्या लिखा है? सर्किट। सर्किट मतलब जानते हो, मैं सर्किट का ही डॉक्टर रहा हूँ, पागलों का डॉक्टर हूँ, पता है आपको? मैं समझ रहा हूँ सर, एकदम। आप ये सर्किट लिख के, सर्किट लिखे हुए हो गाड़ी के? आप खुद सर्किट हो कि बेटे के लिए लिखे हो? नहीं, मैं लिखा नहीं हूँ सर, मैं उसको चलाता ही नहीं हूँ सर, मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। कौन चलाता है सर्किट वाली गाड़ी को? वो कभी कभी घर में ही रहता सर, मैं ज्यादा नहीं चलाता। हाँ, मतलब घर में रहता है जो सर्किट बेटे का चलता है तो चलाता है वो। नहीं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सॉरी सर, दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। भैया दिमाग का सर्किट ना, जब सर्किट फेल होता है ना तो कुछ नहीं बचता पूरे शरीर में। आपकी बातों में सहमत हूँ सर मैं। सहमति तो रखते हो यार, लेकिन काम का तो कुछ काम नहीं करते। बिना हेलमेट के सर्किट लिखवा के गाड़ी चलवाते हो? अभी बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है आपको, गर्व हो रहा है कि बच्चा सर्किट लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर? जी मैं सर, मैं आपकी बातों में। समाज कहाँ जा रहा है यार कि पागलपन को भी एंजॉय करते हैं हम लोग। नहीं, मैं सॉरी सर उसके लिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं घर जाने के बाद मैं उसको बोलूंगा सर कि सब चीज को हटाए, निकाल दो ऐसा करके। बच्चे की, बच्चों के मोबाइल पे, बच्चों के गाड़ी पे कभी निगरानी तो रखा करो भाई, देखा तो करो जी, काम में इतना क्या बीजी की। चलिए, नाबालिग
अरे दो दो, अरे भाई एक नाबालिग उसके पीछे उनकी बहना नाबालिग। नहीं अंकल मैं, आप बालिग हो मैडम, बालिग बुद्धि से तो बालिग होना चाहिए, आपको समझाई नहीं आती ना इसको। फोन है आपके पास या आपके पास? हाँ। लगाइए पापा को फोन। फोन तो जाम यार, क्या फर्क पड़ता है, रोको रोको उधर से निकालो फाइट से। इधर दे दीजिए मैडम, इधर दे दीजिए। सीट पर ढंग लगाने नहीं आते। हेलो, मैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक दुर्ग। आपके नाबालिग बेटा आपकी गाड़ी चला रहा है, आपने उसको नाबालिग को गाड़ी पकड़ा दिया आपने बिना हेलमेट के। तो अंजोरा में क्या कोई अगली अलग अमृत गिरता है क्या रोड में कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा, वहाँ पे फंड नहीं फटेगा? आप इतने गैर जिम्मेदार पिताजी हो, एक तो आपका बच्चा बिना हेलमेट के नाबालिग गाड़ी चला रहा है, अंजोरा ही गया था वो, मतलब आपकी मंशा से गया है वो तो। लापरवाही की भी हद होती है। तो पहली आपको तो कोई, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप बोल रहे हो तो अंजोरा गया था। क्या काम करते हो आप? वेटनरी डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट को तो कुछ अलग से छूट मिली हुई है क्या? एक वेटनरी का भी स्टूडेंट जो है वो बिना हेलमेट के घूम रहा था। भैया मैं प्यार से बोल रहा हूँ, बच्चे पे ध्यान दो ठीक है, और नाबालिग को गाड़ी देना बंद करो, नहीं तो फिर बोलना नहीं चाहिए मुझे, काफ़ी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं आपको। ये पिताजी इतने लापरवाह हैं तो बच्चों को मैं क्या बोलूँगा? ख्याल कीजिए अपना और बच्चे का भी। चले चले, तुम भी माइनर भाई। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है। कहाँ काम करते हो? खरीदो ये किसका है? ये कस्टमर का। कस्टमर ने ऐसे ही पकड़ा दिया बिना लाइसेंस वाले बंदे को? क्या काम करते हो? गैरेज। अरे गैरेज वाले को समझा देना, इसको लेके जाओ नोटिस दो, पता करो किस गैरेज में, उसको नोटिस दो।